तो यार भाइयों, क्या हाल चाल, खमा गणी एंड जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो दोस्तों। तो मेरे पास एक आ चुका है नया डिवाइस, तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस का नाम है वन प्लस नोड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अबाउट सेक्शन में आता हूँ, इस डिवाइस की आपको डिटेल दिखा देता हूँ, कौन सा मैंने नया मोबाइल लिया है यहाँ पर, इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस नोड CE3 लाइट 5G। तो गाइस, यहाँ पर इसमें स्टोरेज देख सकते हैं 128 GB, रैम देख सकते हैं 8 GB। बाकी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 695 का 5G ऑक्टा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। बाकी 5000 mAh की बैटरी है। एंड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 13 का वर्जन। तो अब बढ़ते हैं गेम की ओर। सो अब गेम में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ग्राफिक्स, एक में थोड़ी भैंस बोल रही बार। सो ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा का इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब 40 FPS पर गेम चलने वाला है। और यहाँ पर मैं FPS मीटर भी आपको ऑन कर देता हूँ, इसके साथ यहाँ पर गेम प्ले खेलेंगे तो FPS मीटर भी आपको ऑन रहेगा। तो इसमें देखेंगे कितना क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, कितना गेम स्मूथ चल रहा है, कितना FPS ड्रॉप डाउन हो रहा है, कितना फोन गर्म हो रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अभी एक TDM का मैच स्टार्ट करते हैं और ट्राई करते हैं गेम प्ले। जाहिर देखते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला बना रहा है, स्मूथनेस कम है क्योंकि 40 FPS इधर स्मूथनेस थोड़ी कमी आएगी यहाँ पर। चलिए फिर भी जब ट्राई करते हैं। एक ही लग गया, एक को तो ले गया, दूसरा मुड़ रहा था। ये देखिए सुपरा है। सो गाइस, अभी आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 67% बैटरी है और 2:10 हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बैटरी का भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, एक मैच और स्टार्ट करते हैं, आफ्टर एक मैच कितना परफॉर्मेंस रहता है इसका देखते हैं, ठीक है। हेडशॉट, एक एम चला रहा गाइस, मार नहीं पाया। डबल किल, शानदार हेडशॉट, हेडशॉट काफी अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे FPS मीटर भी ऑन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर। एक और किल आ गया, ADS खोला, शानदार मारा, बढ़िया मूवमेंट, शानदार जिगल जिगल। बढ़िया लेगा, 3 in a row। ओ, इसको भी ले जाता चौथे को, लेकिन हेडशॉट, और इसी का 7 मैच भी जीत गया अपन, काफी अच्छा मैच रहा ये वाला। सो गाइस, टोटल हमने 3 TDM के मैच खेल लिए। और यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ बैटरी का कितना रह रहा है यहाँ पर। सो गाइस, पहले थी यहाँ पर 67%, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 64%, यहाँ पर 3% खत्म हुई। और यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट, तो 10 मिनट में 3% बैटरी खत्म हुई है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैटरी बैकअप का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, बैटरी ड्रेन ज़्यादा नहीं हो रही है। बात करिए यहाँ पर हीट कितना हो रहा है TDM खेलने पर, चेक करता हूँ अपने पर है नहीं, तो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसमें गेम खेल सकते हैं। तो TDM का मैच यहाँ पर गेम प्ले टेस्ट हो चुका है, TDM में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बाकी जायरो की बात करूँ, थोड़ा जायरो मुझे डिले देखना मिल रहा है यहाँ पर, जायरो में एम ट्रेसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, बंदे मतलब फटाफट नहीं मर रहे इसमें जायरो में। तो TDM में तो हो गया, चलो पढ़ते हैं अपन क्लासिक मैच में। सो क्लासिक मैच आप देख सकते हैं थोड़ा स्मूथनेस कम दिखेगी, बस कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथनेस तो कम दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब चल ही रहा 40 FPS, अब क्या क्या दिक्कत रहेगी इसमें, 40 FPS तो चल रहा है गाइस, कुछ सामने अभी 40 FPS देखने को मिल रहा है, लैग वगैरह इसमें देखने को नहीं मिल रहा गाइस, ये काफ़ी अच्छी बात है। बंदे भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं, कहाँ उतर रहा है ये, कहाँ उतर रहा है, देखो गाइस, अनफॉलो करना चाहिए था बट नहीं किया। नहीं वो गाइस क्या कर रहा है, पट्टी लगा रहा है, रास्ते में पकड़ लिया इसको। बढ़िया, एक और चल रहा मैच, और इसको फंसा लिया इसमें,
ओ पीपी लेके भी नहीं मार पाए गाइस। बढ़िया नोक आती, फिनिश हेडशॉट देके फिनिश कर रहे हैं। नोक कर दिया गाइस, बढ़िया लिखता है। बंदा है सामने, बटुआ जी आ रहा है इधर भी, मानते नहीं है बटुआ साले। बंदा बंदा सो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं अब डिवाइस की परफॉर्मेंस की। तो गाइज यहाँ पर टोटल में यहाँ पर सबसे पहले आपको टेडियम मैचेस वगैरह खेल के दिखाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैटरी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 57% यहाँ पर बैटरी ड्रेन हुई है। यहाँ पर तो देख सकते हैं 67 से 57 आई है, तो यहाँ पर 10% बैटरी ड्रेन हुई है आधे एक घंटे में। तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये डिवाइस अभी दे रहा है। तो अब बात करते हैं इसमें आप गेम कैसे चल रहा है। गेम तो गाइस आपको सामने ही है, यहाँ पर 40 FPS की मतलब क्या ही चलेगा, 40 FPS में मतलब डिसेंट यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर हाई लेवल की गेमिंग इसमें आप घूम सकते हैं, हाई लेवल की गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते हैं। टीडीएम में आप देखें यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, एम ट्रेसिंग में यहाँ पर थोड़ा सा वो जीरो डिले देखने को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर क्लासिक मैच की बात करूँ तो क्लासिक मैच का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रह रही है, 40 FPS बिल्कुल। यहाँ पर FPS ड्रॉप डाउन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, जितना इसमें 40 FPS यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है उतना ही FPS यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो डिवाइस काफ़ी अच्छा है। तो इसकी प्राइस यहाँ पर मैंने खरीदा इसको 20,000 रुपीज़ में। तो अब आपको होगी कि 20,000 रुपीज़ में तो आपको यहाँ पर 60 FPS तक तो बीच में सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी डिवाइस में 90 FPS भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब आपको यहाँ पर 60 FPS मिल रहा है BGMI के लिए तो आप इस डिवाइस को क्यों परचेस करेंगे। तो एक्चुअली ये डिवाइस यहाँ पर मेरे घर के फैमिली मेंबर उनके लिए मैं परचेस किया, तो ये डिवाइस सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल यूज़ के लिए मैंने एक बाय किया है। पर तो BGMI के लिए डिवाइस बिल्कुल भी नहीं खरीदा और आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस डिवाइस को खरीदे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक मिलेगा, जय श्री कृष्णा।